पर्यावरण को बचाए रखने की कड़ी में पौधे लगाने अच्छी बात है। इसी कड़ी में जिला स्तरीय वृक्षारोपण कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र के धौलीपाल गांव में जिला कलेक्टर व अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में आज हुआ। वन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 3 लाख के लगभग पौधे हनुमानगढ़ जिले में लगाए जाएंगे। पौधे प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में लगते आए हैं, लगने भी चाहिए, पर जनता का प्रश्न है कि वन विभाग पौधा वितरण करने तक ही सीमित क्यों रहता है, पौधों को पेड़ बढ़ने तक की योजना पर काम क्यों नहीं कर रहा है, मात्र पौधों को लगाने की संख्या को कागजी आंकड़े बनाने में ही क्यों लगा रहता है वन विभाग। दूसरा सवाल, वन विभाग टोल रोड बनाते वक्त कंपनियों को पेड़ काटने की अनुमति शर्तों के साथ देता है, दुगने पौधे लगेंगे पर लगते नहीं, इस पर वन विभाग चुप्पी क्यों साध लेता है, पौधे नहीं लगने वाली कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, जनता की समझ में नहीं आ रहा है, फिर वन विभाग पेड़ काटने की अनुमति दे रहा है तो पौधे दुगने लगवाने की जिम्मेदारी भी तो वन विभाग की ही होनी चाहिए। यूं कहिए कि आपके घर में कोई व्यक्ति डाका भी डाल जाए और आपको दर्द भी नहीं हो, ऐसी कहावत हनुमानगढ़ में लागू हो चुकी है। हनुमानगढ़ जिले की जितनी भी टोल रोड बनी हुई है उन पर पौधे नहीं लगे हैं। कलम न्यूज के द्वारा पिछले एक वर्ष से इस मुद्दे को उठा रखा है। जनता सवाल पूछती है, कब जागेगा वन विभाग, कब लगेंगे टोल रोड पर पौधे, पौधे नहीं लगने वाली कंपनी पर कब होंगे मुकदमे दर्ज, और शर्तें पूरी नहीं करने पर प्रशासन कब करवाएगा टोल वसूली बंद। ये है जनता के सवाल। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।